नमस्कार दोस्तों, अभी अभी 2 मिनट पहले की सबसे बड़ी खबर प्रधानमंत्री को लेकर आ रही है। साथियों बता दें, प्रधानमंत्री ने कर दी ऐसी गलती कि गैर जमानती वारंट जारी हो गया है और कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं। साथियों बताते चले, ये कहीं और की बात नहीं बल्कि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बात हो रही है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं। पाकिस्तान के जो न्यूज़ की रिपोर्ट है उसके मुताबिक इस्लामाबाद की एक जिला और सत्र अदालत ने दोस्तों आज एक महिला अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश तथा वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के खिलाफ धमकी भरी भाषा का उपयोग करने के मामले में पीटीआई अध्यक्ष इमरान खान के लिए गैर जमानती वारंट दोस्तों जारी कर दिया है। वारंट जारी होते ही पुलिस इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए रवाना हो गई है और उन्हें दोस्तों कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है। इस्लामाबाद की अतिरिक्त सेशन कोर्ट में कहा गया है कि इमरान खान को 18 मार्च तक अदालत में पेश किया जाए। बता दें कि इससे पहले इमरान खान की मुश्किलें तोसाखाना मामले की वजह से भी बढ़ गई थी और कोर्ट ने तोसाखाना केस में इमरान खान की पेशी से छूट की अपील को खारिज कर दिया था और उनके खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट को भी बरकरार रखा है। उनकी यह पेशी केस में चार्ज फ्रेम करने के लिए होगी। गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद इमरान खान को दोस्तों सोमवार की दोपहर को एक बुलेट प्रूफ कार में घर से बाहर निकलते देखा गया था। बता दें दोस्तों, इमरान खान को कभी भी पुलिस गिरफ्तार कर सकती है क्योंकि इमरान खान के खिलाफ कुछ दिनों पहले भी एक मामले में गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। साथियों हर अपडेट आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। चैनल अभी ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। साथ ही आप हमारी वीडियो किस राज्य से देख रहे हैं कॉमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।